अपने नोट्स में आप देखिए, तो जो महान्यायवादी है वो कार्यपालिका का अंग है, तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है ना, वह सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, मतलब सरकार का जो संघीय सरकार है उसका सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त रहता है, मतलब वह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उसको कब तक रखता है, और उसकी योग्यता जो होती है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की, मतलब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की जितनी योग्यता होती है, अगर कोई व्यक्ति इतनी योग्यता धारित करता है तो उसको महान्यायाधीश बनाया जा सकता है, या वह विधि का जानकार हो, विधि का विधिवेत्ता हो उस स्थिति में, ठीक है। और उसका वेतन जो होता है उल्लिखित नहीं है, वह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इन सब मतलब छोटे छोटे माइनर पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान में देंगे, और उसके बाद उसको किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है उसको। भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का नहीं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का उसको अधिकार होता है। और वह संयुक्त बैठक में भी भाग लेता है, लेकिन संयुक्त बैठक जब होती है, जब मतदान उसका होता है, तो उसमें वह मतदान नहीं कर सकता है। और उसको जो निजी विधिक कार्यवाही होती है, अगर कोई पर्सनल केस किसी का होता है, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि उसका निश्चित वेतनमान है नहीं, तो वह किसी से भी पारिश्रमिक लेकर निजी विधिक कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें महान्यायवादी के बारे में हो गई। और उसी के पैरेलल मैंने आपसे कहा था कि महान्यायवादी के पैरेलल ही महाधिवक्ता होता है, जैसे संघ सरकार में महान्यायवादी है, यहाँ पर महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसमें देखिए उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जनरली देखेंगे आप सरकारें बदलती हैं तो महान्यायवादी या महाधिवक्ता को बदल दिया जाता है, ठीक है। योग्यता क्या है, जैसे वहां सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की है, यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, और उसका पारिश्रमिक जो है, जैसे वहां राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यहाँ राज्यपाल निर्धारित करता है। और इसको भी विधानमंडल के दोनों सदनों में, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जहां पर विधान परिषद है वहां पर बगैर मतदान बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। ये दोनों चीजें हो गई, मतलब वहां पर महान्यायवादी हो गया, यहाँ महाधिवक्ता हो गया। इसको इतनी चीजें, इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देता है कि किसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है, ये माइनर चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। मैंने आपको बताया था कि भाग 5 में संघ के अंतर्गत ही है, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में। अनुच्छेद 148 में क्या है, उसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया, बताएंगे। अनुच्छेद 148 जब आपसे पूछा जाएगा, वह क्या होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है, मतलब जो आपका सार्वजनिक धन होता है, जो सरकार के पास जो धन है वो सार्वजनिक धन है ना, आपके टैक्स द्वारा और तमाम माध्यमों से इकट्ठा किया हुआ धन है, उसका वह संरक्षक होता है, ठीक है। और लेखा परीक्षक होता है, जो भी धन कैसे व्यय किया जा रहा है, धन को कैसे व्यय, कहां पर व्यय किया जा रहा है, उसको चेक करने का काम। हमेशा आप देखेंगे लेखा परीक्षा होती है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है, जांच करता है कि धन का सही तरीके से व्यय किया गया है कि नहीं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वह शपथ भी राष्ट्रपति से ही लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उसके अनुसार उसका कार्यकाल होगा। उसको हटाने की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती है, मतलब कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग द्वारा, ठीक है। उसकी कर्तव्य और शक्तियां जो है अनुच्छेद 149 में है, और संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार के बारे में दिया हुआ है कि किसकी किसकी वह जांच करेगा, अनुच्छेद 150 में है। और अंकेक्षण का प्रतिवेदन, मतलब जो वह लेखा परीक्षा करता है, मतलब इस बात की जांच करता है कि धन का सही व्यय किया जा रहा है कि नहीं, उसकी जो रिपोर्ट होती है अनुच्छेद 151 में दिया हुआ है, वो कैसे संसद के पटल पर उसको रखेगा, ठीक है। प्रथम कौन थे, मतलब प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, वी नरहरी राव, वहां पर मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद यहाँ पर 60 में कुछ चीजें हैं कि इसको जो है, मतलब जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसको लोक लेखा समिति एक होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, ठीक है, उसका गाइड, मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, मतलब वह उसको सहायता करती है। उसके बाद इसे संसद का एजेंट भी कहा जाता है। संसद का एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मतलब जितने भी धन व्यय हो रहे हैं उनकी जांच करता है, और वह डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे सर्वाधिक महत्व का अधिकारी कहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपके महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा फिर क्या है कि जब हम आगे बात करेंगे तो